हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो ऑफ जनरल एप्टीट्यूड सीरीज। सो दिस इज़ द सिक्स्थ प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्री। सो द प्रॉब्लम इज द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ 2³ इज 3:2। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दीज 2 क्यूब्स रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे गिवन है कि दो डिफरेंट क्यूब हैं, उनके डायगोनल का रेशियो 3:2 है, तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब की प्रॉपर्टी। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है कि 6 फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस 6। उसके बाद अगर हम कंसीडर करें ए साइड है किसी क्यूब का, तो उसका लैटरल सरफेस एरिया 4a² यानी कि कितने वॉल हैं। अगर हम अपने रूम को एज अ क्यूब कंसीडर करें तो कितने वॉल हैं, तो नंबर ऑफ वॉल होंगे 4। तो एक वॉल का एरिया होगा a², सो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a². टोटल सरफेस एरिया यानी कि रूफ को और जमीन को अगर हम कंसीडर करें तो 6 हो जाएंगे, इसलिए ये हो जाएगा 6a². नेक्स्ट है डायगोनल, तो डायगोनल होगा a√3 एंड वॉल्यूम होगा a³। तो अब आ जाते हैं प्रॉब्लम पे। यहाँ पे गिवन है कि 2 क्यूब हैं, तो कंसीडर कर लिया कि ए और बी ये साइड हो गए, ये क्यूब 1 के लिए हो गया, ये क्यूब 2 के लिए हो गया। तो क्यूब 1 के लिए जब साइड ए है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, a√3, और क्यूब बी के लिए डायगोनल हो जाएगा b√3। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस 2 क्यूब। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, गिवन है इनका रेशियो यानी a√3/b√3 जो कि गिवन है 3:2। या हम कह सकते हैं कि जो साइड का भी रेशियो होगा a:b वो क्या होगा, 3:2। तो पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि साइड का रेशियो क्या होगा, तो a:b क्या होगा, वो होगा 3:2 का। अब आ जाते हैं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो एक के लिए हो जाएगा 6a² / 6b². सो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा a² / b² विच विल बी इक्वल्स टू 3/2² यानी कि 9/4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9/4। तो ये हो गया क्या, ये हो गया रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो भी देख लेते हैं, यानी कि a³/b³। सो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 3/2³। सो दैट विल गिव 27/8। तो वॉल्यूम का रेशियो हो गया 27/8 और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा 9/4। तो ये हो गया रेशियो ऑफ वॉल्यूम। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।